जिस समय में आप खड़े हैं और आप जी रहे हैं, आपने क्या देखा और आप क्या देख रहे हैं कि किस तरह कलीसियाओं पर सताव है, कलीसियाओं को तोड़ा जा रहा है, बंद कराया जा रहा है, कोई भी बातें नहीं, केवल आरोप लगाकर बातें की जा रही हैं। किस तरह परमेश्वर के दास की बेल होने भी नहीं देने दिए जा रहे हैं, किस तरह लोग गलत बातें कर रहे हैं, उनका झूठी बात करना, झूठे काम करना, कोर्ट में भी वो झूठे काम कर जा रहे हैं, जिसके कारण से न्याय करने में जो न्यायाधीश है वो भी न्याय नहीं कर पा रहे हैं। किस तरह लोग जो एक न्यायाधीश के पास जो भी थाने से कमेंट जाता है उसमें वो लोग देरी कर रहे हैं, देरी करते करते डेट बढ़ाते जा रहे, डेट बढ़ती जा रही, और ऐसे करके बहुत लेट उन्होंने कर दिया, लेकिन इससे कोई भी हमारे आत्मिक जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ता। सब बोले इसके द्वारा कोई भी आत्मिक जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ता, आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, उसने हमें हथियार दिए हैं कि किस तरह अपनी शांति को बरकरार रखना है, थोड़ी थोड़ी बातों पर अपनी शांति खत्म करके अशांति में नहीं आ जाना है, किस तरह लड़ाई झगड़ों में नहीं आ जाना है, किस तरह अपनी शांति को बरकरार रखना है। हमें परमेश्वर के हथियार को बांधने चाहिए। जब डेट पर बेल नहीं होती, फिर पता लगता है एडवोकेट के द्वारा कि कोर्ट में अभी उन्होंने कमेंट नहीं आया, फिर दूसरी बात कि कमेंट आया भी तो कमेंट निकाल लिया गया, फिर हम सोचते हैं क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर वचन हमारे पास है, जीने का हमारे पास जरिया है, हम हड़बड़ाते नहीं, फिर अपने आप को शांति देते हैं और एक बात याद करते हैं कि परमेश्वर परमेश्वर है, वो कोई मनुष्य नहीं है कि जल्दबाजी से काम करे, उसका काम धैर्य के साथ है, वो बहुत शांति से काम करता है, योजना के साथ काम करता है। इसलिए हमें किसी भी बात के लिए जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, यदि नहीं हुआ तो फिर इंतजार करना चाहिए, फिर प्रार्थना करनी चाहिए। एक दिन परमेश्वर ऐसा काम करेगा कि आप समझेंगे कि देरी हुई, परंतु परमेश्वर ने जो काम किए वो सच में बहुत अद्भुत है, यीशु के नाम में। हमें तो मालूम है कि इस तरह परमेश्वर ने हमारे जीवन को बचाया, हमारे परिवार को बचाया, मरने से बचाया। वो समय था जब अन्य लोग, घर के लोग, परिवार के लोग, समाज के लोग तिरस्कार किए थे, किस तरह हमारे घर पर लोग हमें मारने के लिए आते थे, किस तरह दुष्टात्माओं के खातिर गांव में, जैसे है ना, भूत प्रेत के कारण लड़ाइयां होती थी, झगड़े होते थे परिवारों में, गांव में, किस तरह परिस्थितियां जा चुकी थी। हमने सब कुछ करके देखा, हमने कोई भी ऐसी चीजें नहीं थी जो हमने ना की थी, हर एक हमने पूजा पाठ की, हर चीजें हमने की थी, हर एक धार्मिक चीजें हमने करके देखी, हर एक भक्ति हमने करके देखी। ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई कि हमने सब कुछ उसके बाद करना छोड़ दिया, हमने सब कुछ त्याग दिया। लगभग 2-3 महीने हो गए थे, हमने सब कुछ बंद कर दिया था, हम नास्तिक तरीके से हमारा परिवार जी रहा था, लेकिन हमारे पास कोई यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर आया और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें बताया, और उसको सुनकर हमें हमारे परिवार को एक अलग रीत से लगा, और किस तरह आज हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को समझ पाए और हमारी जिंदगी बदल गई। तब से हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लिया और उसके वचन के अनुसार और इस भारत के संविधान के अनुसार हमें उसका प्रचार प्रसार करने का मौका मिला, और हमने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को और उसकी सामर्थ को और उसके संदेश को दुनिया के लिए देने के लिए निर्णय लेकर हमारे हमारे परिवार ने और जो हमारी टीम थी उन्होंने साथ दिया, और खुदावन के काम के लिए हमने इतनी बड़ी संस्था को खड़ा किया जो आज प्रभु के काम को कर रही है। यहां तक 14 साल से शर्म आती हमें कि किस तरह हमने देखा कि न्यूज़पेपर में भी किस तरह उन्होंने अलग चीजें छापी। इस तरह छापने से पहले उनको चर्च में आकर पूछना चाहिए कि क्या इस तरह की बातें हैं कि नहीं, लेकिन उस न्यूज वाले ने भी इस तरह की छापे उन्होंने प्रिंट किया कि अवैध प्रार्थना स्थल बंद कराया गया। लगभग 10 सालों से ये चैरिटेबल
ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड है, और ये संस्था रजिस्टर्ड जो बायलॉज है उसके अनुसार काम करती आई है और लगातार बिना किसी भेदभाव के हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, जिसे कोई छूता भी नहीं, जिसके साथ लोग खाना बैठकर खाने में घृणा करते हैं, छूने में घृणा करते हैं, मुंह घुमा लेते हैं, उनको भी अपने साथ बैठाकर उनकी संगति करके इस तरह के प्रेम का संदेश हमने देना शुरू किया। और हमारे पिताजी ने किस तरह परमेश्वर के काम को किए और लगातार शांतिपूर्ण तरीके से खुदा का काम कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग जो इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखते, जो किसी से प्रेम कर नहीं सकते, जो किसी को अच्छी चीजें सिखा नहीं सकते, उनको प्रेम कर नहीं सकते, खुद तिरस्कार करते उनको, लेकिन उनको आज हम प्रेम करके यीशु मसीह का प्रेम दिया और यीशु मसीह के वो दीवाने हो गए, तो उनको दिक्कत होने लगी और उन्होंने झूठे आरोप लगाना शुरू किए, झूठी बातें गढ़ी। आप क्या समझते हैं? इस तरह की बातें करके उन्होंने जो भी गलत आरोप लगाए, और 2021 में जो चर्च जब बंद हुआ था पिछले साल में 2021 में, किस तरह चर्च को 2021 में 22 फरवरी को माननीय हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर भी चर्च को मिले कि कोई भी प्रॉब्लम ना दिया जाए, चर्च को शांतिपूर्वक चल रहा है, उनका अधिकार है, उनको आराधना करनी दी जाए, और उसके बाद फिर चर्च फिर से अच्छी तरह चलता था। लेकिन कुछ लोगों ने झूठे आरोप लगाकर अलग रीत से क्या क्या किया और चर्च को बंद करा दिया गया। हम खुद देख रहे हैं कि किस तरह लोग किस तरह की बातें, झूठी बातें कर रहे हैं, कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन कर रहे हैं। मुझे यदि कोई भी मीडिया के कोई भी अधिकारी, कोई भी चीज, कोई भी जन मुझे सुन रहे हैं, तो मेरी इस बात को आप नोट करें और इस बात का आप हमें न्याय दिलाएं कि किस तरह झूठी बातें की गई हैं। हम सब किसी के लालच, किसी के दबाव से नहीं आए प्रभु में, और ना किसी को लालच कोई दबाव देते हैं। उनके मन पर, उनके स्व इच्छा पर यह निर्णय है कि वो क्या करना चाहते हैं। हालेलुया। सो आप देख रहे हैं कि किस तरह बातें हो रही हैं। इन दिनों में भी आपको परमेश्वर के हथियार लेने हैं। जो बातें गलत कर रहे हैं उनके लिए गलत बातें नहीं करना, जो आपको गालियां दे रहे हैं उसके लिए गाली कभी नहीं निकालना, ये परमेश्वर के हथियार हैं। यदि आप गाली के बदले गाली देना शुरू करेंगे तो ये आपको आपके उद्धार से दूर कर रहा है। शैतान तो चाहता है कि आप उलझ जाएं, आप गाली दें, आप विरोध करें, आप भी डंडे उठाएं, लेकिन यदि आप परमेश्वर के जन हैं, आपके पास हथियार होना चाहिए, आत्मिक हथियार। हर चीजों को हैंडल करना है परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के वचन से हर चीजों का सामना करना है परमेश्वर के वचन के द्वारा। कोई भी चीजें वचन के बाहर से आप ना करें यदि आप एक मसीही हैं तो। इसीलिए परमेश्वर के हथियार को आपको बांध लेना चाहिए ताकि आप स्थिर रहें। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।